हमारे पास टाइम है ना अभी 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट बहुत है, गुड इनफ टाइम है। अब हमें ये करना है कि हमें ये जो स्लैश वेदर है ना, ये जो हमने API बनाई हुई है अपने सर्वर पे, यहाँ से हमें एक JSON रिटर्न करवाना है। ठीक है, कैसे करवाऊँगा? पहले तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि जब स्लैश वेदर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो मैं अपने कॉन्सोल पे क्या प्रिंट करवाऊँगा कि फला फला IP वाला बंदा इज आस्किंग फॉर वेदर। ठीक हो गया, वेदर। अच्छा, वेदर के बाद स्लैश, बल्कि छोड़ो अभी फिक्स वेदर है बस। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मुझे क्या भेजना है? अभी मैं भेजता था टेक्स्ट स्ट्रिंग भेजता था, अब मुझे क्या भेजना है? जेसन भेजना है, जेसन का ऑब्जेक्ट भेजना है। मैंने कहा भाई टेम्परेचर इक्वल्स टू 26, ठीक है, टेम्परेचर अंडर स्कोर सी, ठीक है, सेंटीग्रेड। अच्छा, और ह्यूमिडिटी 72, और क्या होता है वेदर के अंदर? मैक्स टेम्परेचर होता है, मैक्स टेम सी, सही है, मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यानी टुडेज मैक्सिमम। ये हम पहले कॉल कर चुके हैं, इसी तरह से आ रहा होता है डेटा। अच्छा, मैंने कहा मैक्सिमम यार 32 गया होगा या 31 गया होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला भाई मिनिमम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 19। अब इस तरह मैं जेसन के अंदर या जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ें लिख सकता हूँ वो सब मैं यहाँ लिखूँगा, सही है, जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा यहाँ पे। अच्छा, फिलहाल के लिए ये जो वेदर का डेटा आ रहा है मेरे पास, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं फेक डेटा लिख रहा हूँ, डमी डेटा लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं डमी डेटा। एक्चुअल में तो ये मेरे पास कोई डेटाबेस होना चाहिए जिसमें तमाम सिटीज़ का वेदर का डेटा सेव हो, या तो मेरे पास कोई डेटा सोर्स होना चाहिए, कोई डेटा का चैनल होना चाहिए जहाँ से मैं डेटा पकड़ूँ और दूँ आगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ओपन वेदर API के पास ऐसा कौन सा डेटाबेस है जिसमें पूरी दुनिया का वेदर है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो असल में दो तीन तरीके होते हैं इसके, जो वेदर का जो डेटा होता है, या तो वो क्राउड सोर्स हुआ वो होता है। क्राउड सोर्स का मतलब ये होता है लोगों ने अपने घरों में वेदर स्टेशन लगाए हुए होते हैं जिससे वो एक्चुअल वेदर को मेजरमेंट करके और इनके सर्वर पे भेजते हैं और ये उनको थोड़े बहुत पैसे पे करते हैं, जैसे यूट्यूब करते हैं ना इस तरह से। तो ये क्राउड सोर्स भी हो सकता है और वेदर चैनल भी होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े वेदर के चैनल्स हैं, जैसे हमारा एक ऑफिशियल चैनल जो है महकमा मौसमियात है। महकमा मौसमियात ने पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, हर टाउन में अपना एक डिवाइस लगाई हुई है, ठीक है, कहीं भी लगाई हुई है, पता नहीं अभी बैंक प्लाजा की छत पे एक लगाया हुआ होगा जो पूरी कराची का डेटा लेता होगा, ठीक है। तो जगह जगह उन्होंने लगाया हुआ है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। फिर हर शहर में एक बड़ा टावर भी है इनका, यहाँ पे आप महकमा मौसमियात जो है कराची यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे, वहाँ पर देखिए बड़ा सा एक टावर है, उसके ऊपर पूरा रूम बना हुआ है, तो वहाँ पर बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है जो वेदर को ना सिर्फ करंट वेदर को देखता है बल्कि प्रेडिक्शन भी करता है, उसमें स्कोप वगैरह भी लगे हुए हैं, दूर से आती हुई हवा को देखता है, वो डस्ट को देखता है, तूफान को देखता है, ला ला बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो वो कराची का जो मेन स्ट्रीम है ना, जो कराची का जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, वो मौत में मौसम याद है, ठीक है। इसी तरह एक सबसे फेमस वेदर चैनल है, ये जो आईफोन में आपको वेदर दिखता है ना, वो वहाँ से आता है, उसका नाम है, वो IBM वालों का है वो चैनल, उसका नाम है दी वेदर चैनल। यहाँ पे मैं लिखूँगा ना, ठीक है, तो कुछ इस तरह का इनका लोगो है, दी वेदर चैनल। तो इस तरह की कई जगह से आ रहा होता है। अब ये दी वेदर चैनल वाले जो है ना, इनकी जो API है वो पेड है। तो अगर मैं ये करूँ कि इनकी पेड API ले लूँ और मैं क्या करूँ, हर 15 मिनट पे इनकी API कॉल करूँ और पूरी दुनिया में जितनी भी सिटीज़ हैं सबका वेदर उठा के डेटाबेस में ला के MongoDB में स्टोर कर लूँ, तो फिर मैं रियल डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो असल में ओपन वेदर API जो है शायद वो यही कर रहा है। ये दो तीन तरीके हैं, क्राउड सोर्स और ये तरीका है, ठीक है। अब इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, इतनी सारी जगहों पर डिवाइसेस क्यों लगाई हुई हैं, इनका क्या फ़ायदा है, ये डिफरेंट TV चैनल्स को बेचते हैं वो डेटा,
टीवी चैनल के पास इतना थोड़ी ना बजट है कि वो पूरी दुनिया में जाकर डिवाइस टीवी चैनल कैसे बताता है वेदर, वो इनसे लेके बताता है। या महकमा मौसमियात है वो एक, क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल चैनल है तो वो सुबह सुबह ही अखबार में छाप देता है कि आज मिनिमम मैक्सिमम इतना होगा, तो टीवी वाले समटाइम वहाँ से लेके बता देते हैं। ठीक है, फिर जिस तरह अब ये लाखों करोड़ों की तादाद में मोबाइल डिवाइसेज हैं तो आईफोन वाले इनसे ख़रीदते हैं वेदर का डेटा, क्योंकि इनका डेटा एक्यूरेट है, सबसे एक्यूरेट यही है मार्केट में। एंड्रॉयड वाले शायद वो याहू से बताते हैं, या अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो गूगल का जो अपना एक वेदर है, ठीक है, गूगल जो उठाता है ना वेदर, अगर मैं यहाँ पे देखो वेदर लिखूँगा, अगर गूगल एक अलग चैनल है उससे उठाता है वेदर, इसका नाम है weather.com। ये कौन सा है देखते हैं ज़रा चला के, बल्कि weather.com तो वही है दी वेदर चैनल। हाँ, तो बस गूगल भी इन्हीं से ले रहा है डेटा, तो बस सही है ना, गूगल इनसे ले रहा है, आईफोन वाले इनसे ले रहे हैं, तो दुनिया में फिर है कौन और बचा कौन पीछे? तो पूरी दुनिया में वेदर के सप्लायर सबसे बड़े यही हैं, जिन्होंने फिजिकल डिवाइस लगाई हुई है अपनी भी और लोगों से भी लगवाई हुई होगी, उनको भी पैसे दे के बोलते होंगे भाई लगा दे डिवाइस, समझ रहे हो? तो ये वेदर चैनल है, यहाँ से आता है असल तो डेटा जो है ना, वो इधर से आ रहा होता है। तो मेरे पास फिलहाल इस तरह का कोई चैनल नहीं है, तो मैं फिक्स डेटा दे रहा हूँ, डमी डेटा दे रहा हूँ मैं, अच्छा इतना ही दे रहा हूँ फिलहाल मैं। चलो सिटी का नाम भी लिख देते हैं, सही है, सिटी कराची हो गया, दैट्स इट। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, पीछे ये मेरा सर्वर रन हो रहा है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी हो रहा है, राइट, तो मुझे उसको बार बार रीस्टार्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आऊँगा अपने फ्रंट एंड में, सही है। अब मैंने अपना क्या करना है, सर्वर कॉल करना है। मेरा सर्वर इस वक्त कहाँ पे चल रहा है, मेरी अपनी मशीन में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस, हटा दूँगा पहले तो एस, मेरी मशीन में एस नहीं लगा हुआ, सही है। जब भी लोकल चल रहा होता है तो HTTP पे चलता है, HTTPS पे नहीं चलता। HTTPS पे जब चलेगा, जब आप कहीं भेजेंगे किसी ऐसे क्लाउड में जो SSL लगा हुआ हो जहाँ पर, ठीक है, SSL क्या चीज़ होती है वो फिलहाल अभी लंबा टॉपिक है। तो साइक्लिक वगैरह ये सारे जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं ये आपको फ्री SSL देते हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज करते, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई लोकल होस्ट कॉलन 5001/weather, और इस पर कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं, गेट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है /weather और गेट की रिक्वेस्ट, सही है, क्लियर है, ये समझ आ रहा है। अब जब इस पर मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो वहाँ से जो भी कुछ रिस्पॉन्स मैं मुझे मिलेगा सर्वर से, वो इधर इधर मिलेगा मुझे, और इधर मैंने उसको क्या करवाया हुआ है, कंसोल करवाया हुआ है। तो देखते हैं मुझे क्या डेटा मिलता है। अच्छा, सिटी नेम अभी मैं सर्वर पे भेज नहीं रहा फिलहाल के लिए, ठीक है, अभी सिटी नेम अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये करेंगे कि भाई जब फ्रंट एंड से मैं कोई रिक्वेस्ट भेजूँगा तो साथ में रिक्वेस्ट के साथ मुझे डेटा भी भेजना है, तो जाहिर है भेजना तो आपको आता है ना, ऐसे स्लैश करके लिखेंगे कराची, यही है ना, भेजना तो आता है लेकिन उधर रिसीव कैसे करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, मैंने रिफ्रेश किया और मैं इधर कंसोल पे अगर आ जाता हूँ, अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के भेजूँगा ना गेट वेदर, तो ये क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हो रहा है मेरा, पेज रिफ्रेश हो रहा है, पेज रिफ्रेश क्यों हो रहा है भाई, वो नहीं लगाया हुआ मैंने, रिटर्न फॉल्स है तो सही। अच्छा, वो रिटर्न फॉल्स होने के बावजूद भी ना पेज रिफ्रेश इस वजह से होता है कि जब कुछ एरर आ रहा हो ना कोड में, वो कह रहा है गेट वेदर इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है गेट वेदर तो मुझे मिल ही नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई गेट वेदर, सही तो है app.js लगा हुआ तो है इसमें, गेट वेदर ही नाम है ना इसका, नहीं सोर्स करने से क्या होगा, सही तो है सोर्स, एक मिनट यार, रिफ्रेश किया मैंने, app.js आ तो रहा है, सही आ रहा है, अच्छा ये पता है गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि जब वो app.js की रिक्वेस्ट भेजता है ना उसमें भी HTML की फाइल आ जा रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है।
ये स्लैश ऐप डॉट जे एस की रिक्वेस्ट जब यहाँ से मारता है ना ये, तो उसमें भी क्या हो जा रहा है कि ये वाली फाइल आ जा रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैंने क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से हो रहा है, ये सर्वर पे मैंने कोई मिस्टेक की है इस जगह पे ना। सही है, स्लैश की रिक्वेस्ट है और गेट की रिक्वेस्ट है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ से भेज दिया, सेट है ये बिल्कुल ओके है। अब मुझे सेकंड वाला जो है ना, इसमें मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, इसमें भी मुझे स्लैश ही लगाना पड़ेगा। हाँ अब सही हुआ है, मैंने गड़बड़ कर दी थी इसमें, इसमें स्टैरिक मैंने टेस्टिंग के लिए लगाया था, फिर स्टैरिक ही छोड़ दिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा भाई जब स्लैश की रिक्वेस्ट आए गेट की तो आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल भेजो, उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आए ना स्लैश के बाद। अब इसमें असल में ये होगा क्या कि यहाँ पर जो भी बात लिखी होगी ना, जैसे ऐप डॉट जे एस लिखा हुआ होगा अगर यहाँ, सही है वैसे यहाँ तो नहीं लिखा होगा, उधर से रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं तो वो इस फोल्डर में जाके ना उस नाम की एग्जैक्टली फाइल तलाश करेगा, मिल गई तो ले जाएगा, नहीं मिली तो फिर आगे बढ़ जाएगा उससे। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा होता है, तो मैंने स्टैरिक यहाँ पे लगाया था इसलिए वो गड़बड़ हो रही थी। वेल अब आ जाते हैं दोबारा, अब मैंने गेट वैदर का बटन जैसे ही दबाया तो देखो ये मेरे पास वैदर का डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, जो भेज नहीं रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ सिर्फ, अभी तो कुछ जा नहीं रही आगे, वहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट जा रही है स्लैश वेदर, क्लिक करता हूँ वेदर का डेटा आ गया ये मेरे पास। ये मेरे कहाँ पर आया, मेरे पास मेरे ही सर्वर से आया है, मेरा सर्वर जो मेरी ही मशीन में इस वक्त चल रहा है, राइट, ये वहाँ से आया है। अब आ जाते हैं ज़रा इसको डिस्प्ले करवा देते हैं स्क्रीन पे, राइट। मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट, रिजल्ट में मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, क्या चीज़ें आई मेरे पास, सिटी का नेम आया, एक तो सिटी नेम एक आया है मेरे पास, सिर्फ सिटी है बल्कि सिटी नेम नहीं है, और अगली चीज़ क्या आई है, टेम्परेचर, टेम्प अंडर स्कोर सी, ये आया मेरे पास। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टेम्प अंडर स्कोर सी, सही है, ये दो चीज़ें मैंने डिस्प्ले करवा दी। अब मैं गेट करूँगा जैसे ही, और रिफ्रेश नहीं किया ना उसको, हाँ अब इसमें कुछ भी लिख के मैं गेट करूँगा तो नीचे कराची और 26 मेरे पास प्रिंट हो गया, ये हम पहले कर चुके हैं इससे। ठीक है, और ये टेम्प ह्यूमिडिटी भी कर देते हैं, टेम्प अंडर स्कोर ये हो गया, और ह्यूमिडिटी मैंने कहा भाई ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो गया, ह्यूमिडिटी की स्पेलिंग यहाँ से उठा लेते हैं, ये हो गया ह्यूमिडिटी, सही है, और मिन स्लैश मैक्स ये ऐसे लगा दिया मैंने, और मिन स्लैश मैक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, ये उठा लिया मिन, सही है मिन पे ये सेंटीग्रेड आ गया, और यही सेम चीज़ मैंने क्या कर दिया मैक्स पे लगा दिया, सही है जी। रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को, अब मैं कुछ भी लिख के यहाँ पे गेट वेदर करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आ गई, मिन मैक्स में ये 1931 आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई, टेम्परेचर आ गया, कराची सिटी का नाम आ गया, सही है, ये सब कर चुके हैं हम पहले। अब हमें लास्ट काम ये करना है कि इस पूरी वेब एप्लीकेशन को उठा के किधर भेजना है, क्लाउड पे भेजना है, क्लाउड पे भेजने के बाद ये सेम इसी तरह से चलना चाहिए। अच्छा एक अब और से एक चीज़ समझना, ये बहुत गौर से समझने वाली चीज़ है, ऑप्शनल है लेकिन समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, http://localhost5001, इतना पार्ट जो है ना मेरा कहलाता है बेस यूआरएल, कट किया मैंने इसको बेस यूआरएल को, और मैं बेस यूआरएल ना किसी ऐसी जगह पे बना लेता हूँ अपने पूरे वेब एप्लीकेशन में जहाँ जिसको मैं सब जगह से एक्सेस कर सकूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ कॉन्स्ट बेस यूआरएल इक्वल्स टू, और ये मेरा बेस यूआरएल है, सही है, ये मेरा बेस यूआरएल है। अब मैं नीचे जहाँ पे भी कोई बात लिखूंगा ना मैं क्या बोलूँगा, बेस यू आर एल स्लैश वेदर,
समझ रहे हो बात? अब मैं ऊपर बेस यूआरएल बनाऊंगा, दो मैं बोलूंगा एक है मेरा क्या myapp.cyclic.app, जो भी मुझे मतलब साइक्लिक पे डिप्लॉय किया है मैंने, नेटलीफाई पे किया, कहीं भी किया है, सही है। तो जब मुझे लोकल होस्ट को हिट करना है तो मैं ये वाला बेस यूआरएल ओपन करूंगा, अदरवाइज ये वाला बेस यूआरएल ओपन करूंगा, ठीक है। और आइडियली मैं क्या करूंगा, एक लॉजिक लगा दूंगा इफ की, कि इस वक्त मेरे ब्राउजर का जो यूआरएल है अगर उसमें https लगा हुआ है इसका मतलब है वो क्लाउड में चल रहा है, तो क्लाउड वाला हिट करो, अगर https नहीं है तो लोकल वाला हिट, ये मैं लॉजिक भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये काम करने की मुझे ज़रूरत सिर्फ जब पड़ेगी जब मैं फायरबेस होस्टिंग पे होस्ट करूँगा या नेटलीफाई की होस्टिंग पे होस्ट करूँगा, जब मेरी वेब एप्लीकेशन का जो वेब पेज है index.html का जो मेरा पेज है जब वो मेरे ही सर्वर में अगर है तो मुझे इस बेस यूआरएल की ज़रूरत ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। मैं ये रिक्वेस्ट जब भेजूँगा ना ये वाली /weather, मैं जब /weather की रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे ब्राउजर में जो यूआरएल लिखा हुआ है ना उसको एज अ बेस यूआरएल इसके शुरू में लगा देगा ऑटोमेटिकली। मुझे कुछ करने की, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं ज़रा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, /weather की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बेस यूआरएल है ही नहीं मेरा, सिरे से ही नहीं है। यहाँ पे आया मैं, मैंने कहा भाई रीलोड करो इसको, ठीक है, रीलोड किया मैंने। अब मैं ज़रा यहाँ उसमें आता हूँ ना नेटवर्क में, ये देखो मैंने इसको रीलोड किया नेटवर्क में। अब यहाँ पे app.js में देख रहे हो, अब की बार जो लोड हुआ है ये कोड लोड हुआ है, सही आया है बिल्कुल, जो मैं चेंज कर चुका हूँ वहाँ से। अब ये इस कोड के ऊपर अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख के और जब मैं गेट वेटर का बटन दबाऊँगा तो अब देखो रिक्वेस्ट जो गई है ना सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट क्या गई है, उसने ब्राउजर में जो ऊपर लिखा हुआ था ना टॉप पे उसको लगा दिया ऑटोमेटिक बेस यूआरएल के तौर पर, सही है। तो हमने इससे क्या सीखा कि अगर मेरे पास मेरा जो वेब एप्लीकेशन है वो मेरे ही सर्वर पे अगर लगा हुआ है तो मुझे बेस यूआरएल नहीं लिखना है। अच्छा, अभी इसने लोकल होस्ट लगाया है, वंस मैं इसको क्लाउड पे भेजूंगा तो मेरे इधर क्या लिखा हुआ होगा, क्लाउड का यूआरएल होगा, मैं जब क्लिक करूंगा जब भी ये सही चलेगा। तो हमें इससे दो चीज़ सीखने को मिली, हमें इससे पहली बात ये सीखने को मिली कि अगर हम अपने फ्रंट एंड को फायरबेस होस्टिंग पे होस्ट करते हैं, अपने सर्वर पे नहीं करते या जस्ट इनके हमारा सर्वर है ही नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। अगर मैं अपने सेम सर्वर पे होस्ट करता हूँ फ्रंट एंड को तो मैं उन एक्स्ट्रा कामों से बच जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी करूँगा, मैं यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी करूँगा कि बावजूद इसके कि मैं खुद के सर्वर पे हूँ लेकिन मैं फिर भी बेस यूआरएल का इस्तेमाल करूँगा, सही है, बेस यूआरएल का इस्तेमाल मैं करूँगा, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं करूँगा। मैं क्यों करूँगा, क्योंकि अभी REST API की 5 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है क्लाइंट सर्वर, कि आपका क्लाइंट और आपका सर्वर अगर अलग भी हो जाए ना तो फ़र्क ना पड़े, इसलिए मैं बेस यूआरएल का इस्तेमाल करूँगा, सही है। क्लाइंट सर्वर अलग अलग होने चाहिए, जैसे पहले के ज़माने में क्या करते थे, ये तो सिर्फ मैंने अभी index.html की फ़ाइल यहाँ रखी है ना, वो इंडेक्स की फ़ाइल जनरेट करते थे इधर से, वो EJS वगैरह करके होता था, टेम्पलेटिंग इंजन होता था, ठीक है, वो ओल्ड फैशन था वो, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो यही था वो एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल अलग हो जाए ना, मतलब क्लाइंट मेरा यानी फ्रंट एंड फायरबेस होस्टिंग पे हो और सर्वर मेरा साइक्लिक पे हो, तो भी आपके कोड को कोई फ़र्क ना पड़े, आपका कोड बिल्कुल सही चले, ठीक है। तो ये मैंने एक डेमॉन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाई है और अब मैं इसका बेस यूआरएल वापस लगा देता हूँ, सही है, बेस यूआरएल मैंने वापस लगा दिया। अब मैं यहाँ पे ये जो दो लिखा है ना मैंने, इसको मैं हाथ से क्या बार बार खोल बंद करूँगा, नहीं, यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगाऊँगा, यहाँ पे मैं एक लॉजिक क्या लगाऊँगा कि अगर मेरे ऊपर का जो यूआरएल है टॉप का, अगर मैं क्लाउड पे खड़ा हुआ हूँ तो API क्लाउड की हिट करना, अगर मैं लोकल मशीन पे खड़ा हुआ हूँ तो API लोकल मशीन की हिट करना। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ये करना होगा कि URL टॉप का कैसे गेट होता है ना वो देखना होगा, तो वो होता है नेविगेटर डॉट URL से होता है, डॉट
एक मिनट अलग से गूगल कर लेते हैं। हाँ लोकेशन होता है नेविगेटर डॉट लोकेशन। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href हाँ ये होता है सही है। तो बस ये मुझे मिल गया विंडो डॉट लोकेशन डॉट href सही है। मैंने कहा कि भाई const url equals to this ठीक है। तो मैंने ये url पकड़ लिया ब्राउज़र में जो भी url था इस वक्त राइट नाउ वो मैंने पकड़ लिया। अच्छा अब मैंने क्या बोला अब इस url को मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। कैसे स्प्लिट करना चाह रहा हूँ स्प्लिट आपको पता है वो होता है एक स्ट्रिंग का एक मेथड होता है। तो मैंने कहा डॉट स्प्लिट और किससे स्प्लिट करो इसको इसको स्प्लिट करो कॉलन से। तो स्प्लिट जब मैंने किया ना कॉलन से तो देखो उसने मुझे क्या दिया शुरू में एचटीटीपी दे दिया इसने मुझे समझ रहे हो। ये देखो क्या किया मैंने ये देखो मुझे ये स्ट्रिंग मिला था ना स्ट्रिंग का एक मेथड होता है स्प्लिट। मैंने कहा कॉलन से इसको स्प्लिट कर दो। कॉलन से स्प्लिट करने का मतलब ये जहाँ जहाँ कॉलन होगा ना इसमें वहाँ वहाँ से इसको काट देगा ये और काट के एरे बना देगा पूरा। तो अब जब मैं इस पर लगाऊंगा ना ये स्प्लिट तो मुझे देखो इसने क्या किया जहाँ जहाँ पे कॉलन था ना देखो मैंने कॉलन से स्प्लिट करने बोला है तो जहाँ जहाँ कॉलन था वहाँ से इसने काट दिया। तो पहला HTTP मिला दूसरा मुझे ये मिला देखो यहाँ पे भी कॉलन था फिर लास्ट में 5001 मिला। तो मुझे ये शुरू वाला पार्ट मेरे काम का है कि शुरू वाला पार्ट HTTP है या HTTPS है सही है। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे करके होगा ये स्प्लिट। मैंने कहा url डॉट स्प्लिट सही है। अच्छा स्प्लिट होने के बाद मुझे वो एरे देता है तो मैंने कहा एरे का इंडेक्स 0 क्या है अगर इक्वल्स इक्वल्स है HTTP के सही है। ये पूरी कंडीशन बन गई मेरी। मैंने कहा इफ अगर ऐसा है तो बेस URL क्या होगा फिर ये वाला होगा अगर HTTP है तो HTTP लोकल होस्ट 5001 होगा। else क्या होगा else यही चीज़ होगी लेकिन मेरे पास जो वो होगा ना वो ये होगा सही है। अच्छा ये const मुझे बाहर बनाना होगा एक्चुअली बाहर इसलिए बनाना होगा कि इफ़ की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल बनता है वो फिर बाहर मिलता नहीं है अवेलेबल नहीं होता सही। तो मुझे ये बाहर बनाना होगा मैं कहूँगा भाई खाली है शुरू में और मैंने कहा इफ़ अगर दिस है और अगर दिस है तो ये मेरी वो कंडीशन बन गई जिससे ऑटोमेटिकली क्या करेगा मेरा कोड इस चीज़ को सेंस कर लेगा कि उसको ये वाला बेस URL चलाना है या ये वाला चलाना है। कौन सा चेंज नहीं होगा ओ यस कौन सा चेंज नहीं होगा ना ये तो एरर देगा सही कहा तुमने हाँ सही कहा तुमने ठीक हो गया। तो ये मैंने छोटी सी लॉजिक लगा दी जिसके ज़रिए अब ये बेस URL को मुझे बार बार हाथ से चेंज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता कि जब मैं लोकल डेवलपमेंट कर रहा हूँ ना तो मुझे इस बेस URL में क्या लिखना है लोकल होस्ट 5001 क्लाउड भी लिख दूंगा तो चलेगा लोकल में मगर मसला ये है कि मैं लोकल पे जो चला रहा हूँ तो पर्पस क्या है डेवलपमेंट ना तो मैं सर्वर में जो चेंज कर रहा हूँ मुझे फ़ौरन वो चेंज रिफ्लेक्ट चाहिए वहाँ पे। तो क्लाउड वाले पे तो बार बार डिप्लॉय करना पड़ेगा मुझे सही है। तो इसलिए मैं जब लोकल चलाऊँगा तो मुझे लोकल ही सर्वर को हिट करना है और जब मैं क्लाउड पर चला जाऊँगा तो मुझे क्लाउड वाले सर्वर को हिट करना है राइट। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक ऊपर लिख ली। तो अब मैं इस सर्वर को कहीं भी भेज दूँ रिगार्डलेस मैं सर्वर को कहीं भी भेज दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सही है। मेरा सर्वर साइक्लिक पे हो मेरा फ्रंट एंड फायरबेस पे हो डजंट मैटर ठीक है। अच्छा फिलहाल के लिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेम सर्वर पे चल रहा है तो मैं इन दोनों को चाहूँ ना तो एम्प्टी छोड़ सकता हूँ। इन दोनों को चाहूँ तो मैं एम्प्टी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मतलब दोनों को एम्प्टी छोड़ूंगा तो दोनों केसेस में क्या होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी ठीक है। तो ये कर सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो खाली छोड़ दूँ दोनों को सही है लेकिन रख देते हैं ठीक है एक ही बात है।
तो ये दोनों तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, हर तमाम पॉसिबल ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अब इसको हमें करना है डिप्लॉय। अभी ज़रा आप चला के पहले देखते हैं, यहाँ पे लोकल चल रहा है, ये लोकल ये किसको हिट कर रहा है ज़रा वो देख लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया मैंने इसको, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, गेट वेदर का बटन दबाया तो इसने लोकल सर्वर को ही हिट किया और लेकर आ गया डेटा। नेटवर्क में जाके एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये रहा वेदर पे लोकल होस्ट 5001 पे। इसका मतलब ये है कि मेरी जो ये लॉजिक है ये सही काम कर रही है लोकल पे। अब एक दफ़ा क्लाउड पे जाके भी इस लॉजिक को टेस्ट करना है कि वहाँ पे क्या ये लॉजिक सही काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो कैसे किया था लास्ट टाइम हमने इसको डिप्लॉय? हेलो वर्ल्ड रेलवे सर्वर, ये वाला था, यही था। अच्छा, रेलवे का अकाउंट बाय द वे मेरा बंद हो गया है ना, वो ट्रेल रेल पता नहीं क्या था उसका, साइक्लिक पे करते हैं, साइक्लिक सही है। हाँ, एक नई रिपॉजिटरी बनाते हैं और क्या नाम रखे हैं इसको, का नाम सही है ये रेलेवेंट नहीं लग रहा मुझे थोड़ा, ये कोई बेहतर नाम सजेस्ट कर सकता है आप में से? एपीआई इंटीग्रेशन एग्जांपल वेदर ऐप सर्वर, ये मैंने इसका बहुत लंबा सा नाम रख दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रेलेवेंट नेम है। ठीक है जी, इसको मैंने कॉपी करके ज़रा क्लोन कर लेते हैं। अभी जो कोड लिखना था वो मैं लिख चुका हूँ, अब उस रिपॉजिटरी को मैं क्लोन करके ना उसमें ये कोड डाल के उसको फिर ऊपर भेजता हूँ। सही जी, तो ये क्लोन होके मेरे पास आ चुका है ये वाला एपीआई इंटीग्रेशन एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूँ, सीडी करके क्या कर देता हूँ, इसके अंदर चला जाता हूँ और कोड स्पेस डॉट करके इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ और अपना सारा का सारा जो सर्वर का कोड था वो इधर तो रहेगा, उधर भी लेके चला जाता हूँ इसको मैं। सही है, पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। सही है, पेस्ट करके इसको मैंने वापस भेज दिया, मैंने कहा ऑल कोड एंटर और यहाँ से मैंने कर दिया पुश, ये सारा का सारा कोड उठा के मैंने भेज दिया गिटहब की रिपॉजिटरी में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है साइक्लिक पे, साइक्लिक डॉट ऐप, इसमें मैंने कहा लॉगिन, जल्दी से कनेक्ट करते हैं, चलाते हैं और फिर हम छुट्टी करते हैं। नहीं, असल में मैंने कॉपी करने का रीज़न ये है कि देखो इस रिपॉजिटरी में ना बहुत सारा कोड है। सही है, नॉट मॉड्यूल भी कॉपी किया है लेकिन वैसा ज़रूरत नहीं थी उसकी नॉट। हाँ, और नॉट मॉड्यूल तो वैसे भी गिट इग्नोर में है ना, देखो ना ये डिम हुआ हुआ है, ये गया थोड़ी है github.com पे, github.com पे नहीं गया। देखो ना यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं, नहीं नहीं नॉट मॉड्यूल अगर गलती से पुश हो गया ना github में तो कोड नहीं रन होगा फिर आपका, क्लाउड में आपको एरर देता रहेगा वो। हरिको पे तो ऐसे ही होता है, बेस इनमें पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। वेल, तो यहाँ पे किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि तीन ऐप चल रही है पहले से, तो मैं इस टूडू वाले को ना, ये रेलवे ऐप वाले को डिलीट कर देता हूँ। सही है, एक को मैंने डिलीट कर दिया ताकि मैं क्या कर सकूं,
सही है, डिप्लॉय योर ओन लिंक, और ओन लिंक पे जाके मैंने क्या करना है, इस रिपोजिटरी का मैंने URL कॉपी कर लिया, और ये URL लिखना होता है यहाँ, हाँ यही लिखना होता है, सही है। URL पेस्ट किया, फ़ौरन इसने मुझे सजेशन दे दी, API इंटीग्रेशन एग्जांपल वेदर है, ओके किया मैंने, अब इसको डिप्लॉय होना शुरू हो गया ये, ठीक है जी। कनेक्ट का बटन पता नहीं क्यों बता रहा है अभी ये, वेल सही है, ये डिप्लॉय हो गया और इसने मुझे एक URL दे दिया, illpinkgorillacuff.app, सही है। इसको मैंने URL को कॉपी किया, अब मैं जब ये URL हिट करूँगा तो रिक्वेस्ट कौन सी जाएगी इस पर, स्लैश की रिक्वेस्ट जाएगी, स्लैश की रिक्वेस्ट पे क्या आना चाहिए, इंडेक्स का पेज, देखते हैं आता है कि नहीं आता, आ गया इंडेक्स का पेज, सही है। और अब मैं इसका कंसोल खोल लेता हूँ, ये मैंने कंसोल खोल लिया इसका, बल्कि नेटवर्क इसका मैं खोलता हूँ, नेटवर्क खोल के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, जस्ट टू मेक श्योर कि तमाम फाइलें सही लोड हो रही हैं, ठीक है। exhaust.min पे क्या आ रहा है, आ रहा है कुछ 302 करके आ रहा है, ये URL हिट हो रहा है, सही है। app.js पे प्रीव्यू में देखूंगा मैं क्या आ रहा है, हाँ ये सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, जो फाइल लोड होनी चाहिए थी वही लोड हुई है। फिर ये exhaust.min एक और है, इस पर ये फाइल आ रही है, सही है। जितनी किसी भी फाइल पे एरर नहीं आ रहा कि यार ये फाइल लोड नहीं हो पाई। अब मैं कॉन्सोल पे आता हूँ, और कॉन्सोल पे आके बल्कि इधर नेटवर्क पे रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी जो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँगा तो वो यहाँ पे नज़र आएगी मुझे, तो मैं कुछ भी लिखूँगा और लिख के गेट वेदर का बटन दबाऊँगा, तो ये क्या हुआ, एरर हो गया, ओके गॉट इट, वो वहाँ जो मैंने URL लिखा है वो इससे मैच नहीं हो रहा, इल गोरिल्ला वाले से, ठीक है, तो यहाँ चेंज कर देता हूँ। अच्छा ये है ना मेरा, सही है, ये एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया तो दैट्स इट, हो गया, कोई इशू नहीं है। इस कोड को मैं दोबारा पुश कर देता हूँ, सही है, यहाँ पे भी मैं यही वाला URL लगा देता हूँ जस्ट इन केस, सही है। हाँ वो जाहिर है, मैंने तो पहले फर्जी URL लिखा हुआ था ना, वो रियल URL तो नहीं था वो, तो अब मुझे रियल URL मिला तो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। मैंने पुश कर दिया, पुश करके अब मैं इसके डैशबोर्ड पे जब जाऊंगा ना, ये डैशबोर्ड पे चला गया मैं, और डिप्लॉयमेंट के अंदर मुझे दिख रहा होगा कि हो गया डिप्लॉय, ये वाला जो अभी मैंने लिखा था ना वो हो गया डिप्लॉय, अभी जो मैंने कोड पुश किया रिसेंट वो डिप्लॉय हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करूँगा तो नया वाला कोड आना चाहिए मेरे पास, देख लेते हैं app.js प्रीव्यू, सही है, ये नया वाला कोड आ गया, इल गोरिल्ला आ गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से मैं कुछ भी लिखूँगा और लिख के गेट वेदर दबाऊँगा तो सही चल गया ये, ठीक है। इसने कौन सी URL पर रिक्वेस्ट किया है, इसी पे इल गोरिल्ला पर रिक्वेस्ट किया है, और प्रीव्यू में ये डेटा मिला है मुझे, वो यहाँ स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने आज क्या करके देखा है, हमने आज की क्लास में दो चीज़ें करके देखी हैं। नंबर एक, हमने ये देखा कि अगर आपका फ्रंट एंड है तो आप उसको अपने एक्सप्रेस के सर्वर के साथ कैसे होस्ट कर सकते हैं, और हमने ये देखा कि एक फ्रंट एंड से या एक वेब एप्लीकेशन से आप API को कैसे कॉल कर सकते हैं। ये हम पहले भी कर चुके थे API कॉल, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज इसमें ये था कि हमारा खुद का सर्वर था और हमारे खुद के सर्वर पे ही हमारा फ्रंट एंड चल रहा था, और ऐसे सिनेरियो में हमने फ्रंट एंड से अपने सर्वर को कॉल किया, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हमने ये करना है कि हम 5 प्रिंसिपल्स जो है REST API के, वो हमने पढ़ने हैं फौरी तौर पे आके, और वो 5 प्रिंसिपल्स के तहत हमने इसमें CRUD ऑपरेशन करना है इस सर्वर के अंदर। अभी इस सर्वर के अंदर सिर्फ एक API बनी हुई है जो सिंपल सा एक डेटा रिटर्न कर देती है, सही है। तो हमने क्या करना है, इसी सर्वर की एक कॉपी बना के हमने उसके अंदर CRUD ऑपरेशन करना है। CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या है कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये 4 ऑपरेशन होते हैं, ये बेसिक ऑपरेशन है, ये हर जगह पे हो रहे होते हैं, जहाँ पे भी वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की बात आती है तो ये 4 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो हम एक CRUD ऑपरेशन बनाएंगे
एक छोटी सी टूडू ऐप बना लेंगे या कोई ऐसी कुछ सोच लेना, तो कुछ तुम लोग सजेस्ट कर देना वो बना देंगे। ऑनलाइन स्टोर फिर लंबी कहानी है ना उसकी। हाँ संडे वालों की तो बात हो रही है, नहीं तो वो तो रिपीट कर रहे हैं ना, वो ये सब पढ़ चुके हैं पहले, वो डेटाबेस भी पढ़ चुके हैं, वो तो रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के साथ बैठ के। ठीक है नहीं ना, दो क्लास नहीं है ना अपने पास, हमें कल नेक्स्ट क्लास में ही ये काम करना है। वेल तो हम टू डू या काम कर लेंगे, चलो स्टोर जैसी चीज़ बना के हम कहेंगे यार प्रोडक्ट ऐड हो रही है और रिमूव हो रही है, सही है, बजाय टू डू ऐड रिमूव होने के हम कहेंगे प्रोडक्ट ऐड रिमूव हो रही है। बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना दोनों का, सही है। टू डू ऐड करना सीख जाओगे तो प्रोडक्ट ऐड भी हो जाएगी। वेल तो हमने करंट ऑपरेशन बनाना है, हम एक फॉर्म बनाएंगे उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स लिख के सबमिट करेंगे, तो सर्वर पर जाके प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए सर्वर पर। ठीक है, तो मैंने एक दो तीन प्रोडक्ट क्रिएट कर दी, सर्वर पे क्रिएट हो रही है सारी प्रोडक्ट्स। अब मैं जब गेट करूँ तमाम प्रोडक्ट्स को तो वो सारी प्रोडक्ट आ जाए मेरे पास, उनमें से किसी प्रोडक्ट को मैं डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाए, सर्वर से डिलीट हो जाए, और किसी प्रोडक्ट को अपडेट करूँ तो वो अपडेट हो जाए, सर्वर पे अपडेट हो जाए। ठीक है, और फिर उस सर्वर को आप कॉल करें या मैं कॉल करूँ या कोई और कॉल करें, वो अपडेटेड मिले फिर आपको। डेटाबेस अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले वेरिएबल्स के अंदर रहते हुए हम करंट ऑपरेशन करेंगे, और REST API के जो पांच प्रिंसिपल्स हैं पहले हम वो पांच प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने के लिए हम करंट ऑपरेशन करेंगे। वंस वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वेरिएबल हटा के उसकी जगह डेटाबेस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप है। अगर आप चाहें, ये चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जैसे मैंने बताया ये वीकडे वाले जो है ना बैठे हुए, ये पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो इनको मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो आप अगर चाहें तो जाएं मेरी वीडियोस देखें, एक दफ़ा वो वीडियो देख कर आएंगे, सेकंड टाइम मैं बात करूँगा तो बेटर तरीके से गेट करेंगे, एंड आई होप कि आप सामने से सवालात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, और बेस्ट केस सिनेरियो ये हो कि वो चीज़ें आप बना के लेकर आ जाएं, आप ये करंट ऑपरेशन बना के लेकर आ जाएं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इनको मैंने बनाया था टू डू, तो वो टू डू आप बना के लेकर आ जाएं, फिर यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट वाला करंट बनवा दूँ। ठीक है, तो मेहनत थोड़ी सी आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आज की क्लास का जो असाइनमेंट है आपका, वो यही असाइनमेंट है जो मैंने करवाया है, एग्जैक्टली यही चीज़ आपने अपने हाथ से करनी है। ठीक है, आपने एक वेदर ऐप बना के लानी है जो कि साइक्लिक पर डिप्लॉय हो, आपका फ्रंट एंड भी साइक्लिक पर हो और सर्वर भी साइक्लिक पर हो, और जब मैं वहाँ से सिटी का नाम लिख के भेजूँ तो मे बी आप इसमें शायद एक अमेंडमेंट कर सकते हैं कि आपके पास सर्वर पर ना एक एरे बना हुआ जिसमें 10-12 सिटीज़ का डेटा हो। ठीक है, और मैं जब वेदर लिखूं और स्लैश करके उसमें ऐसे करके मैं सिटी नेम लिखूं यहाँ पे, अभी कैसे होता है ये भी मैं उस वीडियोस में आपको मिल जाएगा मेरी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो सिटी नेम को देखें आप, इफ़ दिस सिटी है तो ये वाला भेजो, दिस सिटी है तो ये वाला भेजो, मे बी एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना जितना मैंने अभी करवाया है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।